आज का टॉपिक है, आज शाम को किसी ने आपको याद किया, तो क्या थे उनके शाम के वक्त के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग से, टैरो से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। आज अमित थोड़ा सा बिजी है, इसलिए ये शाम का रीडिंग मुझे ही करना पड़ रहा है। एक, दो, तीन, चार, पांच, और अब इसमें से देख लेंगे हम 7 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये हो गए 7। देखते हैं रीडिंग क्या है। शुरुआत करेंगे टैरो से। तो पहला ही कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है ये पर्सन काफी ज्यादा काम में बिजी रहे या फिर ऑलरेडी बिजी थे, लेकिन कहीं से अचानक से आपकी याद उन्हें आ गई और वो दिल से सोचने लगे कि जैसे यहाँ पे कैंडल्स जली हुई है, वैसे ही उन्हें शायद कैंडल लाइट डिनर पे आपके साथ जाने के बारे में कुछ ख्याल आया मन में। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा चूहा है, नन्हा सा, तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि आपके साथ ऐसा कोई लम्हा अगर उन्हें जीने को मिल जाए तो थोड़ा रोमांटिक फील कर पाएंगे। मे बी उन्होंने, जैसे ये चूहा विटनेस है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, वैसे ही शायद अपने काम को करते वक्त मे बी उनका कोई कलीग होगा या फिर दोस्त होगा, उसके साथ उन्होंने शायद शेयरिंग की कुछ बातें कि मैं ऐसे किसी कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहती हूँ या जाना चाहती चाहता हूँ। तो इस तरह की कुछ बातें उनके मन में आई और उसके बारे में शायद, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मकड़ी का जाला है, वैसे ही उन्होंने कुछ सपने बुनने स्टार्ट किए आपको सोचते हुए। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ढेर सारी विशेष है उनके दिल में, जैसे यहाँ पे सतरंगी सपने हैं, तो उन सपनों के बारे में भी सोचा गया और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आपका साथ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी उन्होंने महसूस किया। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी और कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऑन ऑफ चल रहा था, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक व्हाइट हॉर्स है जो दौड़ा चला जा रहा है, वैसे ही उनके जो ख्याल है वो आपकी तरफ काफी ज्यादा दौड़ रहे हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि सुकून से आप दोनों इस मसले को हल करें और एक शांति से नई शुरुआत कर पाए। तो शायद इसीलिए उनके मन में ये कैंडल लाइट डिनर के बारे में कुछ बात आई। सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग शायद है जो रोमांटिकली काफी ज्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ फैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो है, लेकिन पैशन को लेके कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा दुविधा में पड़े हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पैशनेटली कुछ कहने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे कैंडल लाइट डिनर पे आपको इनवाइट करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कुछ रोमांटिक सोच रहे हैं, या फिर डायरेक्टली अपने पैशन का इजहार पहले करेंगे और फिर आपको पूछेंगे क्या हम डिनर को जा सकते हैं या चले। इस तरह से शायद कुछ दुविधा में फंसे हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ के उस एक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वैट्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को भी और एक्शन को भी। यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, तो ये रिलेशनशिप को लेके बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन जो है वो मुस्कुरा रहा है, तो काफी ज्यादा ख्यालों में खोए हुए थे उन्हें, शायद ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा दिया है, अपने काम की वजह से या फिर घर की कुछ सिचुएशन की वजह से, हालात की वजह से शायद वो आपको इतना कुछ वक्त नहीं दे पाए जितना इन रियल वो चाहते थे। यहाँ पे जो पिंक कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल में उठने वाले रोमांटिक थॉट्स को,
तो ऐसे ही बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए आपको कुछ रोमांटिक डेट पे शायद लेके जाने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है जहाँ पे आप दोनों हो। मोस्टली न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस भी काफी नजदीक है, तो शायद कुछ बातें हैं जो वो ऐसे माहौल में सोच रहे हैं जो काफी ज्यादा रोमांटिक है। इकरार, किसी बात के लिए आपकी तरफ से इकरार चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपको किसी बात को लेके इकरार वो कर रहे हैं, इस बात को भी शायद एक्सेप्ट करना चाहते हैं जोखिम। तो शायद इन्होंने राइट नाउ जिंदगी में किसी बात को लेके थोड़ी सी कुछ जोखिम ली है, हो सकता है उनके करियर को लेके हो सकती है या फिर पैसों को लेके भी हो सकती है, तो मे भी उस बात के बारे में भी सोच रहे थे और हो सकता है आपके सामने ये सब बातें रखने के बारे में भी सोच रहे कि जिंदगी में राइट ना उन्होंने किस तरह से क्या क्या किया है या फिर क्या जोखिम ली है। तकलीफ, तो थोड़ी सी तकलीफ में भी शायद ये पर्सन है, और ये क्यों है, क्योंकि शायद स्ट्रेसफुल माहौल में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल्स जली हुई है, तो हो सकता है दिन रात ये काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और शायद उन्होंने कुछ रेस्ट लेने की जरूरत है, लेकिन काम का बोझ इतना है कि जिस वजह से तकलीफ में है, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक रोमांटिक डेट शायद आपके साथ अगर वो एंजॉय कर पाए तो इस तकलीफ से शायद थोड़ा सा उन्हें सुकून मिल सकता है आसान। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं तो उन्हें शायद जिंदगी जीना आसान लगता है, और राइट नाउ अगर ये पर्सन तकलीफ में है तो उन्हें लगता है कि आपसे मिलके सब बातें जितनी अभी पेनफुल लग रही है उतनी वो आसान लगने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज है, आपके ऑरा से कनेक्ट होके उन्हें उन बातों से डील करने का शायद एक हिम्मत मिल सकती है, करेज मिल सकता है, दुआ। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप सच्चे दिल से उनके लिए दुआ करते हैं, मतलब उनका करियर अच्छा हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनके घर में सब अच्छे रहे, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आप उनके कांटेक्ट में है या नहीं, लेकिन ये पर्सन जरूर जानते हैं कि आप उन्हें दुआओं के वक्त भूलते नहीं है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि कोई तो है इस दुनिया में जो मेरे लिए सच्चे दिल से दुआ करता है। आईना, तो जैसे आईने में हम खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं, हमारे एक्सप्रेशन, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे राइट नाउ एक्सप्रेशन क्या है, आंखों में क्या है, चेहरे पे क्या है, ये मैं नहीं समझ पाऊंगी क्योंकि मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जब आईने के सामने हम होते हैं तो खुद के एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। वैसे ही उस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए एक आईना है कि जिनको देख के उन्हें समझ में आता है कि वो सच में आखिर कौन है, उनकी असलियत क्या है, मतलब उनके सोल लेवल तक शायद आपका कनेक्शन है, जिस वजह से उन्हें अंदर से ये महसूस होता है कि हाँ, इसके लिए मैं बदलना चाहता हूँ, हाँ, और या फिर यही है वो पर्सन जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, तो ये इतना सब ये एफर्ट क्यों ले रहे हैं, इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सब वो तब समझ पाते हैं जब आपको आईने की तरह सामने पाते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और उन्हें यही लगता है कि आप में वही सच्चाई है जो सच्चाई शायद ये हमेशा से देखना चाहते हैं। चाह, तो आपको पाने की तो चाह है, शायद आपसे मिलने की भी चाह है, और उन्हीं बातों को लेके आज शाम को इन्होंने ये सब सोचा। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, हो सकता है हो भी जाए, इट डिपेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।